Hello students, welcome back to our biology classes. कल हमने nutrition वाला topic है जो वो अच्छे से पूरा कर लिया था and I hope कि आपको nutrition सारा समझ आ चुका है. देखो हम खाते हैं मतलब we are taking nutrition, we are in taking the nutrition. अब उस खाने को energy में convert करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम उस खाने को एनर्जी में ही नहीं कन्वर्ट कर पाए तो वो खाना खाने का क्या फायदा. यहाँ पे हमारी नीड आ जाती है अबाउट द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, सिंपल ग्लूकोज, सिंपल शुगर या ग्लूकोज है जो दैट वॉज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अवर डाइजेशन. ठीक है, प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड, फैट्स का एंड प्रोडक्ट होता है लिपिड्स एंड ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट जो स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमने खाए थे वो हो जाता है ग्लूकोज. अमाइनो एसिड्स फर्दर ग्रोथ के लिए यूज हो जाता है हमारे एंड लिपिड्स है वो स्टोर हो जाते हैं फॉर फर्दर यूज. उसके बाद जो शुगर है वो उसको हम यूज करते हैं एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है तो क्या होगा, वो जो ग्लूकोज है वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इनसाइड द लिवर. ओके, अब इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है दैट वी हैव टू कैटाबॉल. सिंपल शुगर मींस ग्लूकोज, इसको कैटाबोल करके, कैटाबोल, कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक रिएक्शन. बेसिकली कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच ब्रेकिंग डाउन टेक्स प्लेस. जो आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन किया था ना, डीकम्पोजिशन में एक चीज है जो दो चीजों में कन्वर्ट हो जाती है, बेसिकली कैटाबॉलिक रिएक्शन ऐसा ही होता है, उसमें क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ना कुछ फॉर्म होता है, समथिंग फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या है, ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है ना कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन. एंड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों चीजें मिलके क्या बना रही हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रही है दैट इज मेटाबॉलिज्म. ओके, नाउ the energy required for all the cellular activities is obtained by the oxidation of glucose. hum saans andar lete hain, saans andar lene ka matlab we are inhaling, we are inspiring, inspiration bolte hain, saans andar breathe in karne ke process ko inspiration bolte hain. that is that glucose ke andar hum kya kar rahe hain, oxygen add kar rahe hain. glucose mein oxygen jab add ho jati hai तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, वाटर एंड एनर्जी आर फॉर्म्ड एज द बाय प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. अब पता चल गया सांस हम क्यों लेते हैं, सांस लेने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. ऑक्सीजन जो हम अंदर ले रहे हैं दैट इज यूज्ड to break down the glucose into carbon dioxide या water. हमारा जो motive है that is not to make carbon dioxide and water. हमारा motive है to obtain energy. हमारा motive है कि हम energy बाहर निकाले जो glucose हमें मिल रही है उससे. okay, carbohydrate and water तो as a byproduct form होते हैं. ठीक है, this is known as catabolic process क्योंकि इसमें breaking down हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है जब उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है. ओके, तो समझ आया कि हम ऑक्सीजन अंदर तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों निकल रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो यूज हो गई एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट व्हेन वी फॉर्म एनर्जी.
okay? And this process is known as respiration. Respiration is the process जिसमें हम glucose को तोड़ के basically energy ले रहे हैं. अब आगे जाके आप next slide में ये पढ़ने वाले हो. That जरूरी नहीं है कि respiration की basic definition क्या है. Glucose को तोड़ के energy लेना. जरूरी नहीं है कि वो जो energy है वो oxygen से ही मिले. हो सकता है without oxygen भी मिल सकती है. वो कैसे? Let us see. See, if glucose is not available, then cells may break down proteins and fats to produce glucose. This glucose is then oxidized further to fulfill the respiration needs of the cell. ये चीजें हम बाद में समझेंगे. First of all, हम anaerobic and aerobic respiration को समझते हैं. जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कई ऑर्गेनिजम्स है वो ऑक्सीजन के बिना ब्रीद नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के बिना उनको एनर्जी नहीं मिल सकती. These kind of organisms are known to respire aerobically. Aerobically का मतलब है in presence of oxygen. The process of aerobic respiration releases carbon dioxide, water and energy. ये हमने इस slide में पढ़ा था कि glucose में जब oxygen plus हो रहा है तो carbon dioxide, water and energy is being released. The energy released in aerobic respiration is 686 kilocalories or 38 ATP of chemical energy. अब आपने energy का unit तो physics में पढ़ाई हुआ है, okay? तो उसके comparative 38 ATP, 686 kilocalories is equals to 38 ATP of energy. हमारी जो body है, वो energy किस form में use करती है? ATP के form में. आपने कभी भी food materials खाते टाइम देखा होगा कि उसमें कितनी कैलोरीज है. वो कैलोरीज हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, बट अगर हम ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो वो फैट भी इंक्रीज कर देती है. ओके, सी द लास्ट पॉइंट दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स प्लांट्स एंड बैक्टीरियास. एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमन बींग्स Several bacteria and fungi are aerobic. Aerobic का मतलब है उनको oxygen चाहिए, ठीक है? ये तो बात हमने कर ली oxygen की presence की. अगर oxygen की absence हो तो हम क्या करेंगे? Let us see. The breakdown of glucose. अगर oxygen present है तो हमने aerobic respiration कर ली. अगर oxygen नहीं present तो हमने anaerobic respiration कर ली. ठीक है, the breakdown of glucose in absence of oxygen is called anaerobic respiration. The process of anaerobic respiration result in formation of ethanol or lactic acid in animals along with the release of carbon dioxide and energy. Water इस process में नहीं release होता है and ATPs जो form होते हैं they are two ATPs. ठीक है, एक चीज आप समझ लो. Breakdown of glucose in absence of oxygen is called anaerobic respiration. इस respiration में अगर oxygen नहीं use हो रही तो water भी नहीं form होगा, ठीक है? Carbon dioxide कहाँ से निकलेगी? Carbon dioxide ने तो glucose से ही निकलना है, but इस process में energy जो release हो रही है that is very less. And energy कम क्यों बन रही है? क्योंकि इसमें lactic acid या इथेनॉल फॉर्म हो रहा है. इथेनॉल अगर फॉर्म होगा तो हमारी ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. सी, मैं यहीं पे आपको कंपैरिजन करके दिखा रही हूं. ये है एरोबिक रेस्पिरेशन की जो ऑलरेडी लिखी हुई है इक्वेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सेम फॉर्मूला. उसमें कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज नो ऑक्सीजन. तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? दैट इज लैक्टिक एसिड और इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल भी फॉर्म हो सकता है एंड लैक्टिक एसिड भी फॉर्म हो सकता है, प्लस 2 ATP प्लस CO
टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज आपको समझ आ गई। अब कंपैरिजन करके देखो, अब हम करते हैं कंपैरिजन। लेट अस सी, यहाँ पे ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिक्स हो रही है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्मिंग 6 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एटीपी। इसमें हमने पढ़ा था पीछे नेक्स्ट स्लाइड में दैट इसमें 38 एटीपीज फॉर्म हो रहे हैं, 38 एटीपीज। इन द कंपैरिजन टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं। तो कम एनर्जी किसमें बन रही है? ऑफ कोर्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड लैक्टिक एसिड या इथेनॉल जो है वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं इन सम केसेस। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में तो हमने बात कर ली। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड की, ग्लूकोज की प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सी ग्लूकोज तो तब बनेगा अगर डाइजेशन होगी, डाइजेशन तब होगी अगर हम खाएंगे, अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, या हमें खाना नहीं मिल पाया क्योंकि हम बाहर है कहीं, या कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, सैड होने की वजह से खाना नहीं खाया या कुछ भी। इफ ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो जो स्टोर्ड ग्लूकोज है एक बार वो यूज हो जाएगा। अगर स्टोर्ड ग्लूकोज तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो फैट्स जो स्टोर किए हुए हैं वो प्रोड्यूस करने शुरू हो जाएंगे एनर्जी, ठीक है। फैट्स क्या करेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये ग्लूकोज क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। अब सपोज करो किसी बंदे ने 4 दिन तक खाना नहीं खाया, तो उसमें सारा फैट भी खत्म हो गया। अगर फैट खत्म हो गया सारा, तो अब उसके प्रोटीन्स जो सेल्स है ना, सेल्स में से प्रोटीन्स निकल के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली बंदा बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा, मीन्स ये डिजनरेटिंग स्टेज आ जाती है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग एनर्जी इज दैट 6 कार्बन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पाइरूवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट तो फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर फैट भी खत्म हो गए हैं हमारी बॉडी में तो प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज क्या करता है, लेट मी शो यू दिस बाय राइटिंग। सबसे पहले ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6 है। ग्लूकोज सबसे पहले 2 पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, 2 पाइरूवेट, क्योंकि पाइरूवेट में C3 होता है, ग्लूकोज में C6 होता है, पाइरूवेट में C3 होता है, 2 × 3 = 6 हो गया ना, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने में एफिशिएंट होता है, ठीक है, ये चीज थी। चलो अब हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं क्या चीज है। नाउ ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज सच एज साइकिलिंग, जब हमने साइकिलिंग कर ली, रनिंग कर ली, हैवी वेट लिफ्टिंग कर ली, बहुत ज्यादा काम कर लिया, हमें सांस चढ़ जाती है। सांस चढ़ने का मतलब क्या होता है कि सांस छोटी आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा आ रही है। नॉर्मली अगर हम ब्रीद कर रहे हैं तो 15-20 टाइम्स पर मिनट ब्रीद करेंगे, 15-20 टाइम्स तक ब्रीद करेंगे। अगर हम भाग गए तो भागने के बाद आप अपना ब्रीदिंग रेट ब्रेथ काउंट करके देखना, 30 से भी ज्यादा होती है, वो डिपेंड करता है आप कितनी तेज एक्सरसाइज की आपने। उस सिचुएशन में भी ऑक्सीजन हम ब्रीद तेज क्यों करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम ले सके अंदर, ठीक है, बट फिर भी अगर हमारी डिमांड्स नहीं पूरी होती तो हमारी बॉडी भी क्या करना शुरू कर देती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती है। वो कैसे, आर्म्स है, आर्म्स, लेग्स, स्किन, स्किन के नीचे हमारी लेयर होती है मसल्स की, मसल्स में हमेशा थोड़ी सी ग्लूकोज है जो दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो वो ग्लूकोज क्या करती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी फॉर्म करती है। देखो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा अगर पहली बार में रनिंग करना शुरू करेगा कि एक दिन में
पहले तो आप बिल्कुल भी भाग नहीं रहे थे, फिर आपने एक दिन में 1 किलोमीटर भागना शुरू कर दिया। एक दिन में जब 1 किलोमीटर भागना शुरू कर दोगे तो पहले दिन आपकी लेग्स बहुत ज्यादा पेन करेंगी। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके, ऑक्सीजन मतलब कि इतनी ऑक्सीजन ले सके एक बार में, जो आपके एनर्जी नीड्स को मीट कर सके। आपकी मसल्स क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन करने से जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला, ये लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जो क्या कर देता है, मस्कुलर क्रैम्प्स मतलब पेन कर देता है मसल्स के अंदर। अब अगर आप देखोगे हफ्ते बाद, आप लगातार दौड़ रहे हो, हफ्ते बाद आपकी लेग्स पेन करना बंद कर जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है उस एनवायरनमेंट को कि हाँ, इसकी तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट ही है। हमारी लंग्स क्या है, वो स्ट्रांग हो जाती है, उतनी ऑक्सीजन कैपेबिलिटी उसकी बन जाती है कि हाँ, हमारी ऑक्सीजन जो है हमारी एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए सफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि शुरू शुरू में पेन होता है, बाद में पेन नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर लेती है। इस चीज को दोबारा से पढ़ लेते हैं। देयरफॉर मसल सेल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन टू फुलफिल इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। इन दिस केस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमें पेन करता है। ये जो सारा पैराग्राफ है इसको लिख लो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आने वाला है कि व्हेन, इन व्हाट केसेस जो ह्यूमन बीइंग है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। देखो, हम वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर ही रहे हैं, बट अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। अगर हम रनिंग करना शुरू कर देंगे, हमारी मसल्स की शेप भी बदलनी शुरू हो जाएगी। जिस मसल्स को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं वो मसल्स की शेप बननी शुरू हो रही है। मतलब क्या है, वो मसल्स एफिशिएंट हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। ठीक है, दैट्स व्हाई। इसको याद कर लो, हमारे मसल्स में पेन क्यों होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, या हमें शॉर्ट ब्रेथ क्यों हो जाता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैराग्राफ से देना है, इसलिए इस पैराग्राफ को नोट डाउन कर लो पूरे प्रॉपरली। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये तो वही है कि समटाइम्स लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल्स गेट एक्यूमुलेटेड। लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया और वो क्या कर रहा है, मस्कुलर क्रैम्स कर रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। In the presence of sufficient oxygen, lactic acid gets oxidized to carbon dioxide and water. एक बार हमारे जो है muscular pain, lactic acid शुरू हो गया, but बाद में जब oxygen हमारे पास proper आ जाएगी तो वो lactic acid क्या है, खत्म होना शुरू हो जाता है और वो oxidize हो जाता है पूरे properly। इस condition को क्या बोलते हैं, oxygen debt। मतलब debit का मतलब होता है लेना, ठीक है, credit का मतलब होता है देना। हमारी बॉडी ने मसल्स से ऑक्सीजन ले ली, हमारी बॉडी ने मसल्स से एनर्जी ले ली। हालांकि एनर्जी का काम किसका है, रेस्पिरेशन का, बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन का, सेल के अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से होती है जो, बट अगर नहीं हो रही है तो मसल्स करें, तो वो क्या है, ऑक्सीजन डेप्थ है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मतलब है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन। देखो, हमारी बॉडी में भी हमारे सारे सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं। जिस सेल्स को हम ज्यादा यूज करते हैं, जिन मसल्स को, या वैसे भी ऑक्सीजन, देखो बात सिर्फ इतनी है बच्चे, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड हमारी बॉडी में घूम रहा है, ब्लड जहां पे नहीं पहुंचेगा उस बॉडी पार्ट को पैरालाइज होना पड़ेगा। ब्लड कर क्या रहा है, ब्लड ऑक्सीजन ही तो कैरी कर रहा है, ये चीज आपको मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में पता चलेगी। ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, जिस पार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। अगर टीचर आपको पनिशमेंट दे देता है कि आप आधा घंटा हाथ ऊपर करके खड़े रहो, पूरा आधा घंटा अगर आपको हाथ ऊपर करके खड़े होना पड़ रहा है, ग्रेविटी कहाँ पे है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ब्लड आपका नीचे की तरफ जाएगा,
ऊपर वाली साइड जितना हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड आपका पहुंच जाएगा, बट फिर भी आपकी आर्म जो है वो सुन्न पड़ जाती है, पैरालाइज हो जाती है बिल्कुल. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है. पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? डेड होना सेल्स का. सेल्स हमारे डेड होने शुरू हो जाते हैं, बट वो तो आधे घंटे के लिए है ना. आधे घंटे के लिए कोई पनिशमेंट देता नहीं है, इतना रूट तो कोई भी नहीं होता है. स्पेशली बायोलॉजी टीचर, उसको सब पता है कि अगर मैंने इतनी हार्ड पनिशमेंट दे दी तो बच्चा तो ऐसे ही चला जाएगा. ठीक है, बट जिन्होंने मतलब कि एक्सरसाइज के टाइम में सब कुछ चलता है, स्पोर्ट्समैन में सब कुछ चलता है, स्पोर्ट्समैन तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स देते हैं, बट ऐसी पनिशमेंट वो भी नहीं देते हैं, है ना. शुरू वाली स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं. वो इतनी जरूर कहते हैं कि 20 चक्कर लगा लो ग्राउंड के, या फिर इतनी बार सेटअप्स कर लो, बट हाथ ऊपर करने वाली आधे घंटे के लिए इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस. वो क्यों है वो आपको पता चल रहा है. ठीक है, अब प्लांट्स के पार्ट्स पे आते हैं कि प्लांट में हर पार्ट में रेस्पिरेशन हो रही है, हर सेल में रेस्पिरेशन हो रही है. प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन. जैसे हमारा नाक है वो सांस ले रहा है, बट सेल्स तो हमारे सारे परफॉर्म कर रहे हैं ना रेस्पिरेशन. वैसे उसका स्टोमेटा है, स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर देता है एक बार. बाद में क्या है, बाद में मतलब बाद में सारे सेल्स में रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिलीज इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा ही ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और स्टोमेटा ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, मतलब कि जो हमारा काम नाक कर रहा है बेसिकली उनका स्टोमेटा कर. इन प्लांट्स रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग डे एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट. फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम होती है, लेकिन रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों टाइम चलती रहती है. ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा. अब ये चीज आपको अच्छे से समझने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है और ये चीज आप अच्छे से समझो. क्या है कि फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाता. फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है. जितनी चाहिए उतनी यूज हो जाती है, जितनी नहीं चाहिए वो सारी क्या है, एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है. मतलब डे टाइम में प्लांट है जो वो ऑक्सीजन गिव आउट कर रहा है, नेट ऑक्सीजन जितनी प्रोड्यूस हो रही है ना फोटोसिंथेसिस में, उससे कम दे रहा है, लेकिन दे रहा है. अगर नहीं दे रहा होता तो हमारे एनवायरमेंट में तो इम्बेलेंस हो जाता है ऑक्सीजन का. बट रात को इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन हो जाता है. अगर कोई सपोज करो बच्चा या छोटा कोई भी सो रहा है तो क्या होगा, बेसिकली उसको ही माइट गेट सफोकेटेड. क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहा है पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है. इसलिए रूट्स की बात कर रहे हैं. रूट्स ऑफ द प्लांट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल पार्टिकल्स. स्टोमेटा तो ऊपर वाली साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहा है. रूट्स क्या कर रहे हैं, रूट्स सॉइल में भी ऑक्सीजन होती है, एयर स्पेसेस होते हैं ना, एयर स्पेसेस में हर टाइप की गैस प्रेजेंट होती है, वहां से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं. स्टेम्स में क्या होता है, स्टेम्स में लेंटिसेल्स. वुड देखा होगा, वुड में आपको छोटे छोटे, कई बार छोटे छोटे पोर्स होते हैं वुड में, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स, उनको बोलते हैं लेंटिसेल्स. ये लेंटिसेल्स भी क्या करते हैं, पोर्स जो भी होते हैं ना वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर देते हैं. ठीक है, इन दिस वे प्लांट रेस्पिरेशन होती है. ये गैसेस एक्सचेंज की बात की है इन्होंने, रेस्पिरेशन तो वही होती है एरोबिक वाली. एरोबिक प्लांट में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, बट प्लांट्स में एनरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, क्योंकि प्लांट एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसको इमरजेंसी कोई भी नीड नहीं पड़ती है, बट हमें पड़ती है. ओके, नाउ लेट अस कम टू द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अमीबा, अर्थवॉर्म, फिश, हर एक टाइप के एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस है जो ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है. अमीबा का हमने देखा है कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से वो कहीं से भी वो मतलब ऑक्सीजन ले सकता है सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से, डिफ्यूजन की हेल्प से. अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म देखा है ना, अर्थवॉर्म ओके
अर्थवर्म रेनी सीजन में बाहर निकलते हैं, उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा थिन होती है, वो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूजन कर लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन इन एंड आउट इज वेरी सफिशिएंट उसमें, ठीक है, क्योंकि स्किन पतली है तो स्किन से ही डिफ्यूजन हो जाती है। फिश, फिश क्या करती है, गिल्स से करती है रिस्पायर। ओके, नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, नोज और माउथ। नाक से भी सांस ले सकते हैं, माउथ से भी ले सकते हैं। नाक से सांस लेने का क्या फायदा है कि बिकॉज देयर आर हेयरी पार्टिकल्स एंड म्यूकस प्रेजेंट, वो फिल्टर करके डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर थिंग्स को नाक में रख देती है एंड एयर हमारी क्या है, प्योर एयर अंदर जाती है। वरना अगर हम वी ब्रीद इन थ्रू माउथ तो डस्ट पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर से रेस्पिरेशन में लंग्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ओके, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज द कवरिंग ऑफ द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज द एयर पाइप। जब हम फूड खाते हैं तो वो एयर पाइप को कवर कर देता है जो एपिग्लॉटिस होता है, नॉर्मली नहीं तो वो फूड पाइप के ऊपर रहता है। देन ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर क्या है, हमारी विंड पाइप। विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस एक ढक्कन है और ग्लॉटिस उस ढक्कन का सर्कल है, उसका मतलब जो एजेस बोलते हैं, बेसिकली पेरीमीटर। ट्रैकिया इज द मेन पाइप। ट्रैकिया का जो पेरीमीटर है ऊपर वाला पार्ट, दिस इज द ग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस इज कवर्ड विद द एपिग्लॉटिस। दिस इज द ग्लॉटिस बेसिकली, ये वाला ग्लॉटिस है एंड ग्लॉटिस इज कवर्ड विद द एपिग्लॉटिस जब हम खाना खाते हैं तब। लंग्स, देन एयर रीचेस टू द लंग्स। लंग्स में यहाँ पे देखो ब्रांचिंग हो जाती है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू, एक राइट लंग में चली जाती है, एक लेफ्ट लंग में चली जाती है। नाउ देखो ये ब्रोंकाए फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स के एजेस पे ना ये बैलून जैसे, गुब्बारे जैसे, ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, एल्वियोलाई ट्रैप इन करते हैं एयर को। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर फिल हो जाती है लंग्स के अंदर एंड फिर हम ब्रीद कर पाते हैं प्रॉपरली। सी, एयर इज टेकन थ्रू द नोस्ट्रिल्स। हेयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल्स फिल्टर द एयर। नोस्ट्रिल कंटिन्यू टू द नेजल कैविटी, मतलब नोज, नोज के अंदर वाली जो चीज होती है, अंदर वाली जो खाली जगह होती है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। नोस्ट्रिल्स है वो ह्यूमिडिफाई द एयर पासिंग थ्रू इट। नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं, एयर को बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा पैलेट। पैलेट क्या होता है, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के अंदर वाली जो वॉल होती है, पैलेट होता है वो। नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फैरिंग्स। नेजल कैविटी फैरिंग से ओपन होती है, फैरिंग्स फर्दर। सी, फैरिंग्स इज अ मस्कुलर चैम्बर एक्टिंग एज अ कॉमन पैसेज फॉर द विंड पाइप और द ट्रैकिया एंड द फूड पाइप और द ईसोफेगस। ठीक है, जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स दो पार्ट में बाद में डिवाइड हो जाती है, एक फूड पाइप एंड एक द विंड पाइप। फूड पाइप मतलब ईसोफेगस, विंड पाइप मतलब ट्रैकिया। जो फैरिंग्स है उसके पीछे क्या होता है, एक लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स होता है। एंड ग्लॉटिस जो होती है, द लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स और एडम्स एपल। द लैरिंग्स कनेक्ट्स द फैरिंग्स टू द ट्रैकिया। ओके, समझ आ गया। लैरिंग्स है जो, वो ग्लॉटिस की हेल्प से फैरिंग्स से जुड़ा हुआ है, उसको एडम्स एपल भी बोलते हैं। एंड देन द लैरिंग्स क्या है, बाद में ट्रैकिया से कनेक्ट होता है। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है बेसिकली दैट इज द ग्लॉटिस एंड वो क्या, किससे कवर होती है, एपिग्लॉटिस से। एंड ग्लॉटिस क्या है, बेस ऑफ द लैरिंग्स, एपेक्स ऑफ द ट्रैकिया। द ट्रैकिया शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है ट्रैकिया के अंदर, सो दैट वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सके। The cartilaginous rings provide flexibility and air flow को maintain करने के लिए
उसमें कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं. द इनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम. ये आपने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, एपिथेलियम का एक टाइप होता है ट्रेकिया के अंदर जो होता है, दैट इज सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, बेसिकली द लेयर ऑफ सेल्स. द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकिया, एक राइट में जाती है एक लेफ्ट में जाती है. देन ब्रोंकिया के बाद, ब्रोंकिया में भी कार्टिलेजनस रिंग्स होती है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स आती हैं, एंड ब्रोंकियोल्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं जिनको एयर सैक्स बोलते हैं, जो एयर को ट्रैप करते हैं. ओके, लेट अस रीड इट अगेन. ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई. ठीक है, हम डायग्राम पे जाते हैं. यहाँ पे एक तो आ गई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई पे जाती है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई पर जाती है. This is the secondary bronchi, this is the tertiary bronchi, and the tertiary bronchi converts into the bronchioles. ये जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं आपको, और उसपे क्या होते हैं, alveoli sacs या air sacs लगे होते हैं.